हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग है गोंजाओ रेलवे स्टेशन का। उधर यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं, ये गोंजाओ रेलवे स्टेशन है। और अभी सामने ये है बाइमा सेंटर, यहाँ पे आप होलसेल रिटेल में शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। आज हमने भी लिए हैं, यहाँ पे बहुत ही सस्ता मिलता है, रिटेल होलसेल तरीके का आपको मिलता है, आप यहाँ ले सकते हैं। बाकी ये जो एरिया है टोटली शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है इसको। यहाँ पे चारों ओर आपको शॉप ही शॉप मिलेंगे, रिटेल का, होलसेल का। पीछे जो बाइमा आप देख रहे हैं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गारमेंट होलसेल मार्केट है गोंजाओ का। सामने भी बहुत सारा है, भी मैं आपको दिखाऊंगा। और तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं। ओके, जो सामने नज़र आ रहा है ये आपका इंटरसिटी बस स्टैंड है। यहाँ से आप गोंजाओ से बाहर जाने के लिए जो बस वगैरह है यहीं से मिलता है। ये गोंजाओ का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, गोंजाओ रेलवे स्टेशन का ही बगल में ही है। ये आप सामने देख सकते हैं बाइमा सेंटर। हाँ, एक्चुअली यहाँ अंदर में उतना अलाउड नहीं है, हम लोग बार बार से कोशिश करेंगे। ये सारे सब होलसेल मार्केट है। ये है बाइमा, ये है वाइमा। हाँ, सामने वाला आपको जो नज़र आ रहा है, ये सामने बाइमा सेंटर, उसका सामने वाइमा सेंटर, ये दोनों ही होलसेल का है। ये सामने चारों ओर यहाँ शॉपिंग ही शॉपिंग है। तो होलसेल तो नाम का है, रिटेल भी ये लोग दे ही देता है। अभी कोविड का बाद से तो थोड़ा मार्केट भी डाउन है, दे देता है। ये आप देख सकते हैं गोंजाओ शहर की नज़ारे, कि ये इंटरसिटी जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के सामने ही है ये, सामने ही चलाए हुए हैं फुट ब्रिज में तो बस स्टैंड। ये सामने जो रास्ता है इधर से हम लोग जाएंगे अभी, ये है आपका वर्ल्ड क्लॉक सिटी। गोंजाओ का जो घड़ी मार्केट है, क्लॉक मार्केट, ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का क्लॉक मार्केट है गोंजाओ का। यहाँ से हम लोग घड़ी ले सकते हैं, होलसेल रिटेल सभी मिलता है यहाँ, बहुत ही बड़ा घड़ी मार्केट है। यहाँ पे अगर कोई घड़ी का किसी का बिजनेस है तो आके अपना ब्रांडिंग भी करवा सकते हैं, ब्रांडिंग से भी ये लोग बना के देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ही चालू हो गया, अभी यहाँ करीब आपको घड़ी मिलेगा, घड़ी घड़ी। ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉच मार्केट है। इसे वर्ल्ड क्लॉक सिटी भी बोला जाता है। दोस्तों, जो पीछे आप देख रहे हैं अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट था क्लॉक का, क्लॉक मार्केट था, लेकिन तो आफ्टर कोविड यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है। मैं तो लास्ट 3 ईयर नहीं आया, जब से लॉकडाउन लगा है उससे पहले ही मैं यहाँ से जैसे गया था, तब बहुत कुछ डिफरेंट था। अभी कोविड का बाद तो पूरा दुनिया ही बदल गया, तो चाइना गया, अभी बहुत चेंज हो गया है। देखिए चारों तरफ क्लॉक मार्केट ही है। अभी हम हैं जोंगदा, जो कि चुंगदा अलग कहता है, आएगा जोंगदा जो फैब्रिक मार्केट है। फैब्रिक का आप देखते हो चारों तरफ फैब्रिक की फैब्रिक है, जो कि लार्ज स्केल में ही काम हो सकता है, या स्मॉल स्केल का तो नहीं है, फैब्रिक का ही मार्केट है चारों ओर। तो आज ये भी देखते हैं, ये आपका जोंगदा जो है, आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। सन यत्सेन यूनिवर्सिटी है इसका मेट्रो स्टॉपिज, वहाँ से आके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मार्केट है, इसको अगर कवर करने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, जितना हम लोग कवर कर सकें उतना कवर करेंगे। ओके, चले देखिए।
पॉलिथीन खा जाए। सब यहाँ पे कपड़ा का सैंपल का रहते हैं, आप जो हिसाब से ऑर्डर कीजिएगा उस हिसाब से बना के रहते हैं। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फैब्रिक मार्केट में से एक है, ये तो गोंजाओ का सबसे बड़ा है, चाइना का आई थिंक दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फैब्रिक मार्केट इन चाइना, सेकेंड और पांच भी हो सकता है। और एक है आपका कोशियांग, कोशियांग का एक्चुअली हम लोग यहाँ आने का मतलब हम लोग तो है ही गारमेंट मैन्युफैक्चर, इसके लिए ये हम लोग का काम का जगह है। हम लोग रेगुलर बेसिस में यहाँ पर एक बार ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो लोग इसको भी कवर कर रहे हैं। अभी भी फैब्रिक मार्केट में ही है, अभी हम लोग आप देखें चारों ओर फैब्रिक ही फैब्रिक। यहाँ पे एक चेंजेस बहुत ही हर जगह में मैं देख रहा हूँ, स्कूटी मतलब बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी, मतलब कहीं भी चला लेते हैं। ये लॉकडाउन का बात से है, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो परमिशन ही नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से लोग कहीं भी स्कूटी चला देते हैं।